राम राम सारे ने कल अपनी वीडियो पे सब तो पहला कमेंट करया वर्चुअल वर्ल्ड ने बाई का दिल ते सुकरिया प्यार प्रेम बनाए रखने खातर। तो आज की अपडेट में बता दें डांडा न्योली वाला और हरियाणवी ओल्ड स्कूल की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ईब इस कंट्रोवर्सी में उनके सपोर्टर जो है आपस में रिप्लाई लगी है करण। तो ईब बता दें किसने किस लग रिप्लाई करया है। तो हरियाणवी ओल्ड स्कूल वाला की तरफ ते हसनगढ़ वाला ने गाना काढ़िया जो गाना डिस्ट्रैक है डांडा न्योली वाला पे। तो इसमें जो कसूती कसूती बात कर रही है के बात कर रही है वो तो हमें जाकर देख लियो इंस्टाग्राम नहीं और यूट्यूब पर जाकर ना क्योंकि यूट्यूब पर वो पूरा गाना पड़ा है जाकर देख सको तो हमें वो गाना कलाकार जात ले सबेरा जो तेरा होनी तेरी रात ले भाई करे पेट पे जो लात मारी हाँ डांडा नोड़ी वाड़े कोन्या अच्छी बात है रिक्वेस्ट भी करी भीख भी मांगी। आगे बात कर लिया डांडा न्योली वाला की टीम की तरफ से द यमराज ने भी एक ट्रैक ऐड दिया है और यो ट्रैक जो है नुका कि मैंने यो 4 मिनट में लिखा है और कसूती कसूती बात द यमराज ने भी कह रखी है। खतर क्लिक बेट सब दिख है कौन सजार गरीब का बालक टैग की ओड़ में टुच्चे काम करा बार बार डी फेम करा डांडा ने फिर मासूम बन जा यार इस गरीब के बालक ने बेरानी कई न्यूज मैनुपलेट करी कोई लड़की और कोई आर्टिस्ट मन मर्जी तर रिलेट करी कई बार वार्निंग दी थी पर तू हड़के में ले बैठा खुद के बोर करे। आगे बात कर ले तो फिर एक पारस गुजर नाम ते आईडी है उसने शुरू में तो नित्यू गिल जो टारगेट करके नित्यू गिल कहा कि तेरा गलत काम है तो किसी भी आर्टिस्ट ने बदनाम करे किसी छोरी का गल फोटो ला दे यहाँ चीज कर दे तो यहाँ बात कह रखी है जो डांडा न्योली वाला की टीम की तरफ से पहला कही गई थी। और उसके साथ साथ जो है केडी और खांसाला 4 भी इसमें रिप्लाई दिया द पारस गुजर ने। तो पारस गुजर ने कहा कि तारी वजह था जो है कई कलाकार आगे नहीं आन पा रहे हैं दैब दिए तो हमने कई कलाकार जिसकी वजह था बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकार हरियाणवी इंडस्ट्री ने मिलन नहीं पा रहे। तो साथ में इन लग भी जो है रिप्लाई दे दिया है पारस गुजर ने। आगे बात कर लिया एक और कंट्रोवर्सी की बिल्कुल सही रजत दलाल ने तो हमें सारे जानो उसने ही पाछे ये कंट्रोवर्सी तो हमें उसकी सारे जानो कि एक 18 साल का बालक दमकाया पिटिया उसका गला हरासमेंट करी और उसके बारे में इब किसने अंकित नरवाल ने जो है रजत दलाल रिप्लाई दिया है कहा कि अगर ईसाई है नहीं तो मामे ठाल ली हाँ तो बालका का गला लैग रखन मामे भी जाट हाँ और आजिए 24 घंटे 7 दिन ठाल ली हाँ जे तेरा किमें खाए जो नहीं तो आजिए तो सीधा अरिया क्लिप भी तमें अंकित नरवाल की देख सको आगे ये बात कर लिया तो हमने एक गाना सुना होगा 2 नंबरी मासूम शर्मा और मनीषा शर्मा का गाया इस गाना ने यूट्यूब पर 200 मिलियन हो गया तो पूरी टीम ने कॉन्ग्रेचुलेशन अपना चैनल की तरफ तय। आगे एक गाना लग रहा पेशी 2 राज माउर आसु ट्विंकल का गाया नीनू सिंदर और विशाखा जाटनी ने इसमें फीचरिंग करी है। यो गाना लिंदू सिंदर ने खुद ने लिखा है म्यूजिक दिया आरके क्रू ने। यो गाना आओगा तड़का यानी 14 तारीख ने टी सीरीज हरियाणवी यूट्यूब चैनल पे। आगे गाना लग रहा माड़ा टाइम सब्बा का सब्बा के मना गाने पर्सनली बहुत बढ़िया लागे कई गाने जो हमने सब्बा के बहुत बढ़िया लागे है। यो गाना जो है गाया है सब्बा और गुरलेज अख्तर ने लिखा भी है इन्हें ने। बात करा म्यूजिक की तो लाडी गिल ने म्यूजिक दिया है। इस गाने में फीमेल लीड में अमृता एमी देखने ने मिलेगी और यो गाना के डायरेक्टर है साहिल बगारा और जैरी बाता। यो गाना आओगा तड़का यानी 14 तारीख ने 1 टेक वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद वरिंदर बराड़ बिल्कुल सही वरिंदर बराड़ का गोली नाम तक गाना रिलीज होने लग रहा है जो लिखा भी खुद वरिंदर बराड़ ने है म्यूजिक दिया है रव धालीवाल ने। वीडियो की बात करा तो सुमित दीमान और यो गाना तड़का रिलीज हो जाओगा टाइम्स म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। ये बात कर लिया आज गाना रिलीज हो गया पंजाबी बापू गुरलेज अख्तर और अरनीत का गाया तो बहुत प्यारा गाना है। इसमें जो हनु बताया रखा कि पहला इतने गरीबी के दिन थे अरीब ठाठ थे जीवा सब कुछ अपने पास लेकिन एक के कमी है कि बाबू तेरी ये कमी है यह सारी चीज़ तो पूरी होगी लेकिन इमारा दौरा तो नहीं है। आगे बात करा मनिंदर बुट्टर का गाना मेरी महबूब यो भी रिलीज हो गया बहुत प्यारा गाना है 2018 की वाइब में यानी 2018 में बनाया हुआ गाना है और रिलीज होया ईब। तो इस गाना में यह चीज़ बता रखी है कि एक आशिक जो है अपनी तरफ तक जो इसने वो प्यार करा है उसकी खूबी गवाए नुका वह ठीक रवा और अपना बारा बतावा कि मैंने नुनू प्यार प्रेम कराया था। उसके बाद एक गाना आया हाय गर्मी हाय गर्मी गाना राज मावर और नोनू राणा का रिलीज हो गया है। इस गाना ने सुनकर तो मैं एक गाना की वाइब आओगी कि तो हमने इसी वाइब का कोई गाना पहला सुन रखा है बिल्कुल सही तो हमें नाम बता दियो अगर तो हमने सुनकर बेरा लग गया कि हाँ वो गाना था नहीं फिर आप ही बता देंगे अगर तो हमें पूछोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ना पे कहें तरह।
तो आज की अपडेट में इतना ही। अगर किते भी तो हमने थोड़ी सी भी अपडेट बढ़िया लगी होनी तो चैनल ने कर दियो सब्सक्राइब, वीडियो ने कर दियो शेयर और लाइक और कमेंट करके जाइयो, अपना फीडबैक जरूर दे करो कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।